क्रिकेट की बमचक इज स्पॉन्सर्ड बाय माय 11 सर्कल। करोड़ों फैंस खेलेंगे, करोड़ों फैंस जीतेंगे, कौन जीतेगा और क्या जीतेगा, my11circle.com पे आओ और खुद जान जाओ। डाउनलोड दी ऐप नाउ। आमने सामने किंग्स इलेवन पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर शारजा के मैदान पर, लेकिन ये शारजा का मैदान वो मैदान नहीं है जिसमें हर मैच में 200 से ऊपर रन्स बन रहे थे। जो नंबर ऑफ सिक्सेस हैं वो भी रिड्यूस हो रहे हैं और जो इकोनॉमी है वो भी कम हो रही है, लेकिन किंग्स इलेवन पंजाब पे यहाँ पे ज्यादा फोकस रहेगा क्योंकि उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो चांसेस हैं, वो ड्राई अप हो रहे हैं। उनका जो परफॉर्मेंस अभी तक रहा है बहुत डिसअपॉइंटिंग। सिर्फ इकलौती जो आखिरी बदलाव वो अपनी टीम में बड़ा करने जा रहे हैं, ऐसी उम्मीद है कि क्रिस गेल आज का मैच खेलेंगे और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस जो हैं फैंस को भी हैं, टीम मैनेजमेंट को भी हैं कि शायद, कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी टीम अच्छा नहीं कर रही तो एक प्लेयर का नाम बहुत बड़ा होता है कि वो आएगा तो शायद चीज़ें बदल जाएं। गेल के आने से पंजाब को वही उम्मीदें, हालांकि खेल को लेकर मैं बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं कर रहा हूँ कि गेल के आने से गेल का परफॉर्मेंस इतना बड़ा होने वाला है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी टीम में एक बड़ा प्लेयर आता है तो सारी टीम बूस्टअप हो जाती है। हालाँकि इसके अलावा कमियां भी बहुत सारी जगह पर देखने को मिली हैं, आपको अच्छा स्टार्ट मिलता है। पिछले मैच में ही हमने देखा किस तरह से कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट आप 144 पर 1 थे और उसके बाद आप एक छोटा सा टारगेट 164 चेज नहीं कर पाए, आप 2 रन से पीछे रह गए। तो ऐसी कमियां हैं, ओपनिंग अच्छा कर रही है लेकिन उसके बाद मिडिल ऑर्डर में दिक्कतें नजर आ रही हैं, बॉलिंग में कुछ बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं। पिछले मैच में हालांकि अच्छी बॉलिंग की रवि बिश्नोई लगातार अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बॉलर्स और हैं जो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दिक्कतें कहाँ हैं, शमी अच्छा करके जा रहे हैं, रवि बिश्नोई अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुजीबुर रहमान एक दिक्कत बन गए उनके लिए। पिछले दोनों मैचेस में ऑलमोस्ट 40 के आसपास रन्स दिए, उसके अलावा विकेट भी नहीं निकाल के दे पा रहे हैं। जो एक उम्मीद पिछले सीजन तक उन्होंने किया है, जो काम राशिद खान बाकी टीमों के लिए कर रहे हैं, हैदराबाद के लिए कर रहे हैं, जो काम श्रेयस गोपाल कर रहे हैं, वैसा कुछ करने की ज़रूरत है जो मुजीब नहीं कर पा रहे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैक्सवेल को एक और मौका देना चाहिए, आप मुजीब की जगह पे मैक्सवेल को रखिए और क्रिस गेल को टीम में लेकर आइए। लेकिन उससे गेंदबाजी उनकी वीकेंड हो जाएगी। क्रिस गेल का टीम में आने का चांसेस यहाँ पे और भी इसलिए बढ़ गया है क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि जो स्टमक बग जिसके कारण पिछला 2 मैच उन्होंने नहीं खेला वो हील हो गया है, वो रिकवर हो गया है। और साथ ही साथ पिछले सीजन का उनका परफॉर्मेंस देखे तो किंग्स इलेवन पंजाब के लिए 2nd highest रन गेटर थे, 490 रन उन्होंने बनाए थे, तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट वो टीम पे डाल सकते हैं। हालांकि जो उनके ओपनर्स हैं वो चल रहे हैं, रन तो वो जरूर बना रहे हैं, केएल राहुल के स्ट्राइक रेट पे प्रश्न उठ रहा है, लेकिन मयंक अग्रवाल कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहाँ पे फिट इन होंगे 11 में क्रिस गेल, ये देखने वाली बात होगी। आपने गेंदबाजों की बात की, अर्शदीप सिंह इतनी इंप्रेसिव गेंदबाजी की, सीम मूवमेंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हालांकि शारजा में कैसा परफॉर्म करते हैं ये देखने वाली बात होगी। 4 ओवर में 25 रन दिए पिछले मैच में, 1 विकेट भी निकाला, लेकिन खास बात वही है मेगा के केएल राहुल पिछला जो मैच था आरसीबी के अगेंस्ट, ये एक पॉजिटिव लेकर पंजाब की टीम इस मैच में जाएगी कि उस मैच में इतने बुरी तरीके से हराया था आरसीबी को, अकेले केएल राहुल ने 132 रन की वो पारी खेली थी, वो मैराथन पारी आप कह सकते हैं, इतनी बढ़िया इनिंग और आरसीबी की टीम खुद केएल राहुल से भी कम स्कोर बना के आउट हो गई, तो ये एक पॉजिटिव होगा पंजाब के पास। हालांकि आरसीबी की टीम की अगर आप बात करेंगे मेघा, तो आरसीबी की टीम के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली के लिए सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। इकलौती दिक्कत जो हम पिछले मैच से पहले बात कर रहे थे, एरन फिंच भी पिछले मैच में टच में आ गए हैं, तो टॉप 4 आपके अच्छा काम कर रहे हैं, नंबर 5 पे मॉरिस हैं जो कि अच्छा कर सकते हैं, बॉलिंग में करके दिखा ही रहे हैं, युजवेंद्र चहल हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं, क्या ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, तो आरसीबी को तो बहुत कुछ मुझे नहीं लगता कि इस मैच में करने की ज़रूरत है। आपने आरसीबी के वॉशिंगटन सुंदर की बात की, 2 मैचेस जो पिछले खेले हैं उनमें 4 विकेट निकाले थे, इकोनॉमिकल तो लगातार वो रहते हुए आ रहे हैं, और साथ ही साथ युजवेंद्र चहल, मतलब ये सीजन उनका उम्दा जा रहा है, 10 विकेट ऑलरेडी उन्होंने निकाल रखे हैं, तो 2 स्पिनर्स उनके बहुत अच्छे टच में हैं, जब से मॉरिस आए टीम में बैलेंस आ गया है, डेथ ओवर्स में जो बहुत ज़्यादा रन लीक करते थे वहाँ पे भी कंट्रोल किया है। और आपने मैराथन पारी की बात की थी, एवी डिविलियर्स का पिछले मैच में जो मैराथन पारी उनकी जो हमने देखी, दूसरे इन पे जितने बल्लेबाज थे, आप कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों को ले लो या फिर
खुद आरसीबी के बल्लेबाजों को ले लो, सब स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एबी डिविलियर्स किसी और प्लेनेट पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल किसी और प्लेनेट पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके जो शॉट्स थे वो बाहर जा रहे थे ग्राउंड के, और कितनी गाड़ियों पे डेंट पड़े हैं उनके शॉट्स से ये हम लोगों ने देखा, कितने विजुअल्स नजर आए कि बॉल बाहर जा रही है और गाड़ियों से टकरा टकरा के वापस आ रही है। तो ये तो शारजा का मैदान है मेगा, और एबी डिविलियर्स के लिए ग्राउंड कोई भी हो तो वो ऐसे प्लेयर हैं कि वो उसे क्रॉस कर सकते हैं, और शारजा में तो हमने देखा भी है पहले भी बहुत सारे प्लेयर्स कर चुके हैं, और अब एबी डिविलियर्स को आज मौका मिला है तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी बहुत सारी गाड़ियों पर डेंट पड़ सकते हैं। डेंट एबी डिविलियर्स दूसरों की कार्स पे जरूर लगा रहे होंगे, आप डेंट लगा सकते हैं एक्सपर्ट्स की टीम पर, उनकी टीम को हराकर। बहुत सारे कॉन्टेस्ट है, बीट द एक्सपर्ट कॉन्टेस्ट के साथ साथ हर रोज आईफोन जीतने का मौका है, हर हफ्ते करोड़पति जीतने का मौका है, सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर को टूर्नामेंट के एंड में 2 करोड़ भी जीतने का मौका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा माई 11 सर्कल ऐप का, अगर आप वहां से ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश, और जो कॉन्टेस्ट हमने बताए उनमें खेलिए और मौका पाइए बहुत सारे इनाम जीतने का। बिल्कुल, और फिर लाइव के अंदर तो हम आपसे मिलेंगे जहाँ पे आपको फाइनल 11 बता देंगे, बाकी आईपीएल की पूरी कवरेज आपको दिल्ली टॉप पर मिल ही रही है, तो देखते रहिए दिल्ली टॉप और बने रहिए हम लोगों के साथ। शुक्रिया।